जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, इसे बताया भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में इसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बताया गया। मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय अदालत ने एक प्रकरण में उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए 1 माह का समय उच्च अदालत में अपील करने के लिए दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे नियम कानून नैतिकता को ताक में रख करके देश के संविधान को शर्मसार किया है। उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस सांसद को 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और चुनाव क्षेत्र को शून्य घोषित कर दिया। यह मुद्दा देश भर में गूंज रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनैतिक दल और देश के नागरिक कर सकते हैं कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के किरार खेड़ी खेरी तिगड्डा पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं युवा कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं नारेबाजी की गई। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह ठाकुर, गणेश राम पटेल, दुर्ग सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह, राजपाल सिंह, धर्मेंद्र पटेल सहित जहार सिंह, राम बाबू ठाकुर आदि नेताओं ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने पर दुख व्यक्त करते हुए उनका पुतला दहन कर कहा कि भारत में अब कानून का राज नहीं है, सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते हुए उनसे प्रधानमंत्री के पद पर इस्तीफा मांगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।